गौतम बुद्ध की इस छोटी सी बात ने पूरा जीवन बदल दिया। गौतम बुद्ध जिन्हें हम सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं, उनका प्रवचन चल रहा था। एक व्यक्ति हर रोज प्रवचन सुनने आता था। बुद्ध अपने प्रवचन से लोभ मोह अहंकार त्रेष आदि छोड़ने की बात क्या करते थे। एक दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आकर बोला, बुद्ध जी मैं एक महीने से आपका प्रवचन रोज सुन रहा हूँ परंतु मुझ पर उसका कोई असर नहीं हो रहा, क्या मुझ में कोई कमी है या उसका कोई और कारण है। बुद्ध ने फिर पूछा, तुम श्रवस्ती अपने गांव कैसे जाते हो। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, कभी बैलगाड़ी से और कभी घोड़े से। बुद्ध ने फिर से प्रश्न किया, तुम्हें श्रवस्ती पहुंचने में कितना समय लगता है। तब उसने समय का हिसाब लगाकर बताया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तब यहाँ बैठे क्या तुम श्रीवस्ती पहुंच सकते हो। मैं आश्चर्यचकित हुआ और बोला, यहाँ बैठे भला मैं कैसे श्रीवस्ती पहुंच सकता हूँ, इसके लिए मुझे चलना पड़ेगा या फिर किसी वाहन का सहारा लेना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि एक व्यक्ति चलकर ही अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। उसी तरह जो अच्छी बातें होती है पहले उन्हें अपने जीवन में उतारना होता है और उनका अनुसरण करना पड़ता है, उसके अनुसार आचरण भी करना होता है। बुद्ध की यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अब मैं अपनी भूल समझ गया, मैं भी अपने जो मार्ग बताया है उस पर आज से ही चलूंगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया। आश्चर्य है कि ज्ञान कोई भी हो तभी सार्थक होता है जब आपको व्यक्तिहारित रूप से जीवन में उतारना होता है। केवल प्रवचन सुनने या उसका अध्ययन करने से कुछ प्राप्त नहीं होता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।